निर्जला एकादशी 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को है। निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ 10 जून को 7:25 AM से और समापन 11 जून को 5:45 PM पर है। पारण दोपहर 1:44 से 4:31 तक। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी व्रत रखने से मन शुद्ध होता है, पापों से निवृत्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, मनोवांछित इच्छा पूरी होती है, माया मोह के बंधन से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, उसे स्वर्ग में विशेष स्थान प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। एकादशी व्रत का नियम। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सवेरे स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन 24 घंटे तक जल और अन्न का त्याग करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्न एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास के एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।